2023 का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा? देखो भाई, इस पे वैसे तो विकास सर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि 28 फरवरी से पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। और ऐसा विकास सर ने इसलिए बोला था क्योंकि एनटीए के डायरेक्टर की स्टेटमेंट थी कि फेब के लास्ट वीक में नीट 2023 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। बट अभी तक ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिस या एनटीए की तरफ से रजिस्ट्रेशन डेट का कोई फाइनल नहीं हुआ है। बट कुछ न्यूज़पेपर आपने सुना होगा, वो बोल रहे हैं कि 1 मार्च से भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। ये भी जस्ट एक गैस है, जैसे हमने बोला कि भाई एनटीए डायरेक्टर ने स्टेटमेंट दी थी और उसके अकॉर्डिंग फेब के लास्ट वीक में आ जाना चाहिए। तो अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 28 फरवरी तक एनटीए को स्टार्ट कर देने चाहिए या ज्यादा से ज्यादा मार्च के 1st वीक यानी 5 मार्च से पहले पहले आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाने चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो भाई, 7 मई को आपका एग्जाम है। अगर 5 मई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो एग्जैक्ट 2 मंथ का टाइम इसके बीच में बच रहा है, जो कि ओनली जस्ट सफिशियंट है एनटीए को एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करने के लिए, एडमिट कार्ड रिलीज करने के लिए और 7 मई को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। क्योंकि देखो, एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, कई बार करेक्शन विंडो भी आती है, फिर एडमिट कार्ड आता है, उसमें कई बार करेक्शन होता है, दोबारा एनटीए को एडमिट कार्ड रिपब्लिश करना पड़ता है। तो इसमें मिनिमम 2 मंथ का टाइम तो चाहिए, क्योंकि पीछे भी हम देखते आ रहे हैं अप्रोक्स 90 से 100 डेज पहले ही आपके एग्जाम से ये एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आ जाते हैं, लेकिन इस बार डिले हुआ है। खैर, वो एनटीए का पार्ट है, इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी। डिले क्यों हुआ है, क्यों डिले हो रहा है, हमें तो ये फोकस करना है कि हमारा एग्जाम 7 मई को होगा